दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जट एंड जूलियट 3 के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म कब तक की टोटल इंडिया नेट क्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 3,52,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 16,66,00,000 का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 23,27,00,000 का और अपने दूसरे वीकेंड में 5,92,00,000 का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 12वें दिन में सोमवार के दिन में 81,00,000 का नेट कलेक्शन किया। इस फिल्म के 12 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन 45 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 12 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 81 करोड़ हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 13वें दिन की कलेक्शन की, तो आज भी इस फिल्म के कलेक्शन ठीक ठाक दिख रहे हैं। फिल्म अपने 13वें दिन में इंडिया में लगभग 60,00,000 का नेट कलेक्शन करने जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 12 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। वहीं बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.1 रेटिंग मिले हैं। दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।